नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मिश्रा और आप मुझे देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर। और हमारे साथ जो दूसरे विंडो पर मेहमान हैं वह हैं भोजपुरी की हीरोइन एक्ट्रेस शुभी शर्मा, खम्बागढ़ी सा। खमागणी खमागणी का हाल चाल बा? ठीक बा, अरे बढ़िया बा। बढ़िया बा। तो हाँ, हाँ अब जी, मैंने मैंने इनको खम्बागढ़ी इसलिए कहा क्योंकि ये मूल रूप से राजस्थान की हैं, लेकिन भोजपुरी में खूब इन्होंने झंडे गाड़े हैं। करीब 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। थैंक यू सो मच, थैंक तो शुभी जी, आपको ढेर सारी बधाई। सबसे पहले यू। आपने फेसबुक पर 10 मिलियन फैंस आपके आ गए हैं, वो क्रॉस कर लिया है आपने, तो बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और सभी को, जितने मेरे फैंस हैं, फ्रेंड हैं, उनको तहे तहे दिल से धन्यवाद कि उनके प्यार से और उनके स्नेह से ही आज जो 10 मिलियन हुआ है अभी पेज के ऊपर, वो सब उनका प्यार और स्नेह है मेरे लिए। तो ये इसको कैसे देखती है? मतलब आप बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करती हैं लोगों से। आपने क्या क्या किया जब 10 मिलियन हुआ? तो मैंने आपकी एक फोटो देखा कि आप बहुत खुशी से झूम गई थी। कैसे जश्न वो मनाया था लॉकडाउन में? लॉकडाउन में ऐसा था ना कि जैसे कुछ भी हम लोग कुछ कर रहे हैं, अपडेट कुछ कर रहे हैं, तो उसकी पिक एफबी के ऊपर आ रही है, क्या हो रहा है, या कुछ पहले की कुछ पिक जो शूटिंग्स के वीडियो थे, फोटोज थे, वो भी हम लोग शेयर ठीक कर रहे थे, क्योंकि शूटिंग्स बंद है, फैंस भी चाहते हैं कि वो लोग हम लोग को कहीं ना कहीं देख पाए, तो वो पॉसिबल था नहीं क्योंकि शूटिंग बंद है, बाहर हम लोग आ नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग अपने एफबी के ऊपर लाइव आना, बात करना सबसे, और उस टाइम पे, इस टाइम पे सबसे ज्यादा टाइम मैंने अपने सोशल मीडिया को, अपनी फैमिली को पूरा टाइम दिया है, क्योंकि दो ही है फैमिली, एक घर वाली और एक मेरे फ्रेंड्स, तो इन दोनों फैमिली को मैंने अपना ये टाइम पूरा पूरा दिया है, इसीलिए मुझे सबका प्यार, इतना ज्यादा प्यार मुझे मिला है जो मेरे फैंस ने और मेरे घर वालों ने भी दिया है, तो इस बिल्कुल। लॉकडाउन के टाइम पे दोनों फैमिली का प्यार फुल फुल मिला है मुझे। आई एम सो हैप्पी। और मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ उदय जी को, ताकि वो शेयर कर दें आपके पेज पर और हाँ, आपके जो उदय जी चाहने बिल्कुल वाले हैं। बिल्कुल प्यारो हैं। यस यस, वो हाँ, बहुत अच्छे इंसान तो हैं, वो और शेयर कर वो दें, उनके पास अधिकार है ना, वो शेयर कर देंगे ना आपका। मैंने बिल्कुल भेज बिल्कुल दिया। बिल्कुल कर सकते हैं, एकदम एकदम। तो उदय जी कर दीजिए उदय जी, शेयर। आप, हाँ उदय जी, अगर आप लाइव देख रहे हैं तो आप तुरंत शेयर कर दीजिए, क्योंकि 10 मिलियन लोग हैं वहां पर जो शुभी को प्यार करते हैं। हाँ तो ये मैंने भेज दिया। चलिए, तो बाद में पूछूंगा कि लॉकडाउन में कैसा चल रहा है आपका, आपकी दिनचर्या कैसी है। सबसे पहले आज क्या बना था घर में? आज घर के अंदर क्या क्या बना था? करेले की भाजी बनी थी, करेले की सब्जी थी, और मिक्स वेजिटेबल थी, और दाल था, वो तो बनता ही है। और इसके अलावा दीदी ने कुछ स्पेशल कुछ तो बनाया था, बट वो मुझे पता नहीं क्या था, तो मुझे समझ में नहीं आया क्या था वो, तो इसलिए मैंने खाया भी नहीं। तो किचन में आपका दखल कितना होता है? मेरा दखल तनी मनी होला, तनी मनी तनी मीन्स मनी। मतलब थोड़ा बहुत होला। हाँ, क्योंकि दीदियां हैं, जब बहन है, तो वो कहती है कि बेटा तुम आए हो, आराम करो, रेस्ट करो, तो वैसे वैसे मुझे बहुत कुछ आता है, बनाना आता है, बट इस टाइम पे दीदी मम्मी वो बनाती है। मैं कभी कभी हलवा वगैरह कुछ मन होता है कुछ खाने का, पोहा उपमा, वो मैं बनाती हूँ, बट कभी कभी। मैं सोचता था कि हम लोग सब सोचते हैं कि बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं, जिनके 10 मिलियन फॉलोअर होते हैं और भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेस होती अच्छा, हैं, उनके उनके घर में ना करेले जैसी सब्जी नहीं बनती है। बट हमारे तो बनती है, क्योंकि वही ना, घर वाले, इम्यूनिटी देखो, आप भी बढ़ाओ, करेला हमारे, खाओ, एलोवेरा जूस पियो। मतलब हमारे जैसे आप भी करेला खाते हो। एकदम करेला खाती हूँ, और मुझे पसंद भी है, कड़वी चीज हमेशा सेहत के लिए अच्छी होती है, फिर वो चाय से कुछ भी हो, तो सब्जी है, चाय से नीम का जूस हो, करेले का जूस भी बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए भी अच्छा होता है, तो पीना चाहिए, मैं पीती क्या हूँ। बात है! अब बताइए, इस लॉकडाउन में क्या क्या नया सीखा, क्या क्या नया किया, कितनी फिल्में साइन कर ली, कितनी कहानियां सुनी, सब बता दीजिए अब मुझे। लॉकडाउन के अंदर सबसे पहले तो ये है बात कि जो टाइम आज तक कभी भी मिलता नहीं था घर के लिए, वो टाइम मैंने पूरा पूरा अपनी फैमिली को दिया, मॉम को, पापा को, सिस्टर के साथ में बहुत इंजॉय ठीक है किया, बहुत ज्यादा इंजॉय किया,
और सीखने की जहाँ तक है बात, तो मैंने केक केक बनाना सीखा, केक सीखा मैंने, और मैंने क्या सीखा था, हाँ छोले भटूरे सीखे, इडली इडली सांभर सीखा, डोसा मैंने सीखा, और मैंने चीला जो बनता है वो बनाना सीखा, कि जो चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी वो चीज़ें मैंने, ये तीन चार चीज़ें मैंने सीखी और जो मुझे बहुत पसंद है खाने में। हाँ बाकी तो मुझे आता है, थोड़ा बहुत तो आता था ही, बाकी जो स्पेशल चीज़ें थी कुछ कुछ ये मैंने सब सीखा। और इसके अलावा मैंने क्या किया, मैंने बहुत कुछ किया है लॉकडाउन में जो आज तक कभी कभी नहीं किया था, मैंने वो सब किया। झाड़ू मैंने लगाई है, डस्टिंग मैंने किया घर का, वो भी मैंने मतलब अच्छे से किया, पूरा ईमानदारी ईमानदारी के साथ में, जबकि हाउस बड़ा है बहुत, ऊपर नीचे दो टू फ्लोर करते करते पूरा वर्कआउट उसके अंदर हो गया था मेरा अच्छा खासा, तो ये भी चीज मैंने किया है। इसके अलावा और क्या सीखा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, डांस की प्रैक्टिस मैंने अपनी की जो छूट गई थी बहुत, मतलब एकदम से शूटिंग शूटिंग के अंदर बिजी बिजी होते थे तो वो सब कुछ नहीं ठीक होता था, तो वो मैंने किया है, रियाज किया अपना डांस का, क्योंकि डांस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए। और इसके अलावा पिक्चरें जो हैं, साइन मैंने की है, पिक्चर साइन हो चुकी है बट शूटिंग कब होगा वो आइडिया नहीं है अभी तक। मेल के ऊपर ही एग्रीमेंट आते हैं, मेल के ऊपर ही हम लोग प्रिंट आउट लिया, साइन किया, वापस कर दिया मेल, तो वो सब कुछ चीजें हुई है, बट हाँ इस चीज का आइडिया नहीं हो पाया है कि अभी शूटिंग कब शुरू होगा, कब क्या होगा, कुछ आइडिया नहीं है। कुछ पिक्चरें थी जो अप्रैल में थी, हमारी शूट अप्रैल में थी मेरी, मई में थी, इवेंट थे मेरे, वो सब तो कैंसिल हो गए, और अभी वो भी सब पेंडिंग में है, बट कब शूट होगा कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि अभी चल रहा है लॉकडाउन। तो नंबर ऑफ पिक्चर्स या नंबर ऑफ कहानी मैं आपसे जानना चाहूंगा, कितनी कहानियां सुनने के लिए आई आपके घर पर, आपने कितनी पढ़ा, मतलब कितनी पढ़ पाई आप, और कितनी नंबर ऑफ फिल्में आपने साइन की हैं? मेल पे आई काफी, इस टाइम स्टोरी आई है मेरे पास 12 जो मैंने पढ़ी, वो सब मेल पे थी, क्योंकि अभी तो सब कंफ्यूज है ना कि कब शुरू होगा कब क्या होगा, बट जिन्होंने हिम्मत की कि नहीं अभी बस करिए साइन तो कीजिए, देखेंगे कब पिक्चर शुरू होगा, उनमें से मैंने जो मुझे बहुत पसंद आई, मैंने 12 स्टोरीज में से 4 मैंने की साइन की है, जिसकी एक की डेट दिसंबर की अभी तक हो चुकी है लॉक, अगर सब कुछ ठीक हुआ तो वो शूटिंग तब होगी, और उससे पहले जो बाकी जो पिक्चर पेंडिंग थी मेरी वो मैं कंप्लीट करूंगी अगर शुरू होता है तो, और बाकी जो 3 पिक्चर है वो अगले साल, अभी उनकी डेट का कुछ फाइनल नहीं हुआ है, देखेंगे सिचुएशंस और टाइम्स और फिर उनको मैं डेट दूंगी। हाँ बट पिक्चरें साइन हो चुकी हैं बस, तो अभी 4 पिक्चरें लॉकडाउन में साइन की। क्या बात है, बधाई हो। और उदय जी कह रहे हैं मैं देख रहा हूं, तो सिर्फ उदय सर आप देखिए मत, आप इसको शेयर भी करवा दीजिए प्लीज उनके फेसबुक पेज पर, तो और भी लोग यहाँ पर जुड़ जाएंगे। उदय जी, तो उदय जी को मैं तब से जानता हूं जब हमने भोजपुरी तड़का शुरू किया था, तो हाँ एक मिनट, हाँ हाँ कोई नहीं कोई नहीं, आराम हेलो, से। हाँ, आपका वीडियो नहीं आ रहा है लेकिन आवाज सुन पा रहा हूं। अच्छा आवाज आ रही है, ओके आया, कोई फोन आ गया ना आपको? नहीं नहीं फोन नहीं आया है, मैं वही बोल रही हूँ, लिंक मैंने आपको और भी आगे आगे भेज दिया है, अच्छा, आपको लिंक किसने भेजा? मैंने भेजा क्या आपको? मेरे पास आ गया है। अच्छा, क्या बात है, बहुत फास्ट हो आप, या ऐसे ही 10 मिलियन नहीं गया आपका? अच्छा मुझे भी सिखा दो। जी बिल्कुल 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 सिखाएंगे आपको, भी क्यों नहीं। क्या बात है, वंडरफुल। तो उदय जी, जब हमने नया नया भोजपुरी शो शुरू किया था, तो उदय जी यहाँ के सबसे, मतलब आज भी उदय जी यहाँ के उदय जी आज सब, भी वो हाँ हमेशा छाए हुए रहते हैं, हाँ वहां के भी सबसे छाए बड़े हुए रहते हैं। प्यार, और यहाँ पे भी नो डाउट हाँ छाए रहते हैं वो हर हाँ, जगह पे। तो हमारा शो पूरा उदय जी चलाते थे हमेशा, मतलब उन्हीं की सारी फिल्में, उन्हीं के सारे स्टार्स हुआ करते थे सब। अब देखिए ना, उदय जी ने जिन जिन को बनाया, अपने एक वो पीआर का भी सब बहुत काम होता है, उन प्यार सबको का आपने बहुत ज्यादा पीछे, काम होता है, महत्वपूर्ण पूर्ण काम होता है। उन सबको आपने पीछे छोड़ दिया एक धड़ाके से। कैसा लगता है जब आप रवि किशन, मनोज तिवारी, अच्छे से सुनो आप सवाल, कैसा लगता है जब आप रवि किशन, मनोज तिवारी और भोजपुरी की जो तमाम टॉप एक्ट्रेस हैं, अक्षरा, जो भी रानी चैटर्जी जैसे लोगों को आप पीछे छोड़ देती हैं और सबसे आगे निकल जाती हैं फेसबुक और सोशल मीडिया की रेस में, कैसा लगता है? देखिए सबसे मेन चीज ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो ऑडियंस है, फैंस, उनका प्यार है। अब वो प्यार मुझे इतना इतना ज्यादा मिलेगा कैसे और क्यों कब,
मुझे बिल्कुल नहीं का आइडिया नहीं था, बट हाँ एक अच्छी इंसान, एक अच्छी एक्ट्रेस हूँ, काम किया है, और उदय जी मेरे प्यारो थे, तो बस कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ कि बस ऑडियंस का प्यार, भगवान का आशीर्वाद, और सबसे आगे वाली जहां तक है बात, तो ये सब कुछ चीज नहीं है कि कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, उससे कुछ भी नहीं नहीं होता है। मेन चीज ये कि बस आप एक अच्छे इंसान हो, फिर चाहे आप स्टार हो, चाहे आप स्टार नहीं हो, आप आम इंसान हो, वो चीजें नहीं है मैटर। एक अच्छा इंसान, इंसान होना पहले है, बाकी स्टार होना बाद में है। तो मुझे नहीं पता लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना इतना ज्यादा, मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए, और सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बनारस से अनवेश भट्ट जुड़े हैं, वो हमारे दर्शक हैं और वो आपसे पूछते हैं, बॉलीवुड में आने का कोई प्लान है शर्मा जी? बॉलीवुड में बिल्कुल बिल्कुल आने का भी है प्लान, और यहाँ तक कि मैंने की भी है पिक्चरें बॉलीवुड में। वेलकम बैक 2 मैंने किया था, उसमें सॉन्ग मैंने स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस किया था। सेकंड मेरी एक अभी और पिक्चर आएगी, ऑब्जेक्शन माय गॉड, उसमें मेन लीड किया है मैंने, तो वो भी पिक्चर मेरी आ रही है। बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी बॉलीवुड की, और भी हाँ हम लोग मूव ऑन हो रहे हैं, बट भोजपुरी कभी नहीं छोड़ेंगे। भोजपुरी पहले है, बॉलीवुड बाद में है। क्या बात है, क्या बात है, इसको कहते हैं। तो भोजपुरी में जब भी कोई एक्ट्रेस और कोई एक्टर जब होते हैं तो वहां पे मल्टी टैलेंटेड होते हैं, वो प्रोड्यूसर भी होते हैं, एक्टर तो होते ही हैं, वो सिंगर भी बनते हैं। फिर आपसे इन लोगों ने क्या क्या कराया भोजपुरी वालों ने? देखिए मुझसे क्या क्या, एक्टिंग, एक्ट्रेस फर्स्ट, दूसरी चीज सबने कहा कि आप भी सॉन्ग गाओ, सॉन्ग 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 सॉन्ग। तो सिंगर मैं नहीं हूँ बेसिकली, आई एम नॉट सिंगर, बट फिर भी मैंने एक सॉन्ग गाया, क्योंकि ऑडियंस भी चाह रही थी कि एक बार तो आवाज आए, मैम का सॉन्ग आना चाहिए, सॉन्ग आना चाहिए। तो पिछली बार जब होली थी, तो होली के ऊपर एक सॉन्ग आया था, लोगों ने उसे बहुत प्यार स्नेह दिया था अपना, तो काफी इंजॉय ठीक किया था। बट इतना एक एक सॉन्ग काफी है, क्योंकि जो सिंगर का काम है वो उनको करना चाहिए, हम लोग एक्ट्रेस है तो हमें एक्टिंग करनी चाहिए, लेकिन मेरा हम मानना लोग ये कभी, है। नहीं बिल्कुल आपका मानना सही, लेकिन हम कभी कभी गा सकते हैं, जैसे लाइव वगैरह शो हुआ हमारा 9-12 टाइम्स ऑनलाइन का, तो उसमें अच्छा, ओके ओके, इसलिए इसलिए पूछा जा रहा था। फाइन फाइन, मैं हाँ समझ गई हूँ। तो राजस्थान में मौसम कैसा है? गर्मी है बहुत ज्यादा यहाँ पे, गर्मी है काफी, और एक दुखद बात पता है क्या चीज है ना, इसकी राजस्थान है, यहाँ पे बारिश ही नहीं है, बारिश बहुत कम होती है यहाँ पे, ठीक है। अब बिहार है, वहां पे इतनी इतनी बारिश है, बाढ़ आ रही है, लोग परेशान है, दुखी है, वो सब चीज से दुख भी होता है बहुत ज्यादा, कि एक एक शहर ऐसा है जहाँ पे बारिश ही नहीं है, एक शहर ऐसा है कि जहाँ पे इतनी ज्यादा बारिश है। तो अब वहाँ के जो जो लोग हैं बिहार के, तकलीफ हो रही है, दिक्कत में है यूपी के, बिहार के, यहाँ तक इवन नेपाल में भी अभी बहुत, वहां पे भी हुई है बारिश, काफी हुई है, बाढ़ के हालात है वहां पे भी है, बिहार में भी है। तो बस भगवान सब कुछ जल्दी से ठीक कीजिए, ताकि सब लोग खुश रहें और सब लोग स्वस्थ रहें। चलिए, ये सब सोच के दुख होता है यार, नहीं आपकी प्रेयर बिल्कुल बस भगवान सुनेंगे और भगवान हाँ चीजें जल्दी ठीक सुने। होंगी, लोग सतर्क भी हो जाएं, अब खुद को मास्क संभालना। लगा के घूमना चाहिए, देखिए संभालना चाहिए बिल्कुल। देखिए सबसे जो है मेन चीज है सोशल डिस्टेंस इस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, क्योंकि ये वाकई में महामारी है, और इसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आया मार्केट में। तो मास्क तो प्लीज बिहार में, यूपी में, क्योंकि वहां के